नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो डील्स पर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी कार के इंजन बे क्लीनिंग के बारे में। तो दोस्तों, जितना कार को बाहर से क्लीन रखना या फिर कार के अंदर से क्लीन रखना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है उसके कार का इंजन कंपार्टमेंट यानी कि इंजन बे को क्लीन रखना। ये क्लीन रखना इसलिए भी जरूरी है, अगर कोई अननेसेसरी इसमें लीकेज होगा या ऑयल लीक हो रहा होगा कहीं से, तो इसके थ्रू अगर हमारा इंजन क्लीन रहेगा तो हम उसको अच्छे से पता कर सकते हैं कि वो लीकेज कहाँ पर है। और इसके साथ ही एक सेटिस्फैक्शन भी क्लीन कार इंजन बे से हमको मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है कार के इंजन बे को क्लीन कैसे करना है। तो कई लोग डायरेक्ट जो प्रेशर वॉश होता है उसके थ्रू भी क्लीन कर लेते हैं। वैसे जो नॉर्मल कार्स होती हैं उनमें सब कुछ वाटर प्रोटेक्टेड होता है यानी कि सील्ड होता है, बट स्टिल हमको कुछ प्रिकॉशंस इसमें लेने चाहिए जिससे कि हम किसी भी पार्ट को डैमेज होने से बचा सके। तो सबसे पहले जो बैटरी है उसको आप किसी चीज़ से कवर कर लीजिए, या फिर उसके जो वायरिंग होती है उसमें से जो माइनस वाला नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है उसको निकाल लीजिए, या फिर आप किसी उसे प्लास्टिक से ऐसे कवर कर लीजिए जैसे कि मैंने इसमें करा है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान ये रखनी, जो कार का जो अल्टरनेटर होता है उसको भी आप किसी प्लास्टिक से कवर कर लीजिए। वैसे तो वाटर प्रोटेक्टेड होता है, वाटर सील्ड होता है, बट स्टिल आपको अपनी तरफ से सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना है, नहीं तो आपका खाली फालतू में नुकसान होगा इस वजह से। तो इससे बेटर है कि आप सब ये चीज़ फॉलो कर लें। और दूसरी चीज़, कभी भी कार को डायरेक्ट प्रेशर वॉश से क्लीन नहीं करें। अगर आपको करना ही है तो घर पे अवेलेबल होने वाली किसी भी चीज़ के थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल मतलब बूंदें पड़नी चाहिए उसमें, जो छोटे छोटे चीटे होते हैं मतलब बूंदें होनी ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए उनके थ्रू आप क्लीन कर सकते हैं उसे, जैसे कि मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें भी मैं इसको मिनिमम पे रखूँगा ताकि डायरेक्ट इस पे प्रेशर ना पड़े। प्रेशर की वजह से अगर कोई चीज़ ख़राब हुई तो वो खाली अच्छा नहीं रहता है। तो इससे हम सबसे पहले जो इसका हुड होता है इसको भी अंदर से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि ये भी उसी के अंदर आता है। अंदर से ये इंजन बे क्लीन होगा और ये हुड गंदा होगा, यानी कि जो बोनट गंदा होगा अंदर की तरफ से, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। इसके लिए जैसे मैंने आपको बोला इसको हम नॉर्मल पानी से साफ़ करेंगे, तो इसको सबसे पहले शैम्पू से हम क्लीन कर लेते हैं फॉर्म की हेल्प से। तो फटाफट से इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। इसको पूरा क्लीन करने के बाद हमें यहाँ पर भी इसमें अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी, क्योंकि ये भी इसी में इंक्लूड होगा, तो इसको भी क्लीन कर लेते हैं साथ ही में। ध्यान रखना है आपको ज़्यादा पानी इसमें यूज़ नहीं करना है। देखिए, अब मैं हल्के हल्के इसमें प्रेशर जो ये बोतल होती है इससे करूँगा, लेकिन आपको अपसाइड डाउन करना है जिससे कि इंजन बे पे आपके कम से कम ये जो हम वॉश कर रहे हैं वो कम से कम जा पाए। आपको पानी का प्रेशर इतना कम रखना है ताकि इससे कोई डैमेज ना हो। तब इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, फटाफट से वॉश कर लेते हैं जो हमने इसमें शैम्पू अप्लाई किया था। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला, हम ये चीज़ घर पे ही कर रहे हैं, तो कोई प्रोफेशनल की तरह हम पे इतने इक्विपमेंट नहीं होंगे। जो घर पे नॉर्मली अवेलेबल चीज़ें होंगी उन्हीं के थ्रू आप आसानी से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसा ही इसमें होगा भी, इसमें जो जो अवेलेबल घर पे आसानी से अवेलेबल चीज़ें होती हैं उन्हीं की हेल्प से हम इनको क्लीन करेंगे। तो अब इसको क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ भी, और आप देख रहे होंगे कि इसमें से ज़्यादा पानी हमारे इंजन बे पे नहीं जा रहा है। अगर हम प्रेशर वॉशर का इसमें यूज़ करते तो पानी भी ज़्यादा बर्बाद होता और साथ ही वो पानी इंजन बे पर भी जाता। तो इसका यही एडवांटेज है कि ये पानी ज़्यादा इंजन बे पर मतलब सॉरी इंजन के अंदर नहीं जाएगा या इंजन के पार्ट्स को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि इंजन में कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो पानी की वजह से डैमेज होने का जिनका चांस रहता है, तो उनको बचाने के लिए हमें ऐसे क्लीन करना है। तो देखिए, ये क्लीन हो चुका है, काफ़ी क्लीन हो चुका है जितना पहले के मुकाबले। पूरी तरह परफेक्टली जो उसमें निशान बने वो तो क्लीन नहीं हुए, बट स्टिल काफ़ी क्लीन हो गया है। इसके साथ ही अब हमें जो इंजन में हमारा थोड़ा बहुत पानी आया, देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर हम ये बैटरी से इसको प्रोटेक्ट नहीं करते तो इतने कम में इतना आया, तो आप इसे किसी साफ़ कपड़े से, इसको आपके पास माइक्रो फाइबर क्लोथ है तो उससे क्लीन कर सकते हैं, वो नहीं तो कोई नॉर्मल साफ कपड़े से आप इसको क्लीन कर सकते हैं।
तो ये क्लीन हो जाने के बाद हमें लेना है जो आप डीजल हो या फिर कुछ भी आप कैरोसिन ले सकते हैं। इससे हमको जहाँ पर कहीं पर अगर आपकी कार में कहीं पर से ऑयल लीकेज के निशान दिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन कर लेना है। आपके में जितना दिख रहा है, मेरी में बस मेरे को हल्का हल्का यहाँ पर दिखा, तो मैं बस यहीं पर इनको करूँगा। आपके में अगर कहीं ज़्यादा है तो आप इसको इसकी हेल्प से क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद आपको वाटर की हेल्प से या फिर उसमें डिटर्जेंट मिला के इसको भी जो आप अप्लाई करेंगे उसको भी आपको अच्छे से रिमूव कर लेना है। तो ये हमारा क्लीन हो चुका है। अब इसको वाटर या डिटर्जेंट ऐड करके मिक्स करके इसको आपको वॉश कर लेना है ताकि इससे जितना भी आपने जो क्लीन किया था वो साफ़ हो जाए अच्छे से। उसके बाद आपको, आप चाहें तो डिटर्जेंट का यूज़ कर सकते हैं या चाहें तो आप नॉर्मल सादे पानी से भी इसको वॉश कर सकते हैं। मैं सादे पानी से धो रहा हूँ क्योंकि मेरा इंजन कंपार्टमेंट इतना ज़्यादा गंदा नहीं, क्योंकि मैं इसको साफ़ करते रहता हूँ। तो हमने इसमें वाटर स्प्रे कर लेना। देखिए आप ड्रॉपलेट्स में जा रहे हैं, डायरेक्ट प्रेशर वॉश नहीं करना है हमें, क्योंकि प्रेशर वॉश डैमेज कर सकता है इंजन को। कई पार्ट्स ऐसे होते हैं तो हमको उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी अगर आप करवाना चाहें तो, बट ये मेरी तरफ से एक सजेशन है आपके लिए। तो उसके बाद हमें इसको अच्छे से किसी साफ़ कपड़े से पूरा एक बार साफ़ कर लेना है, यानी उसके बाद जो ये प्रेशर स्प्रे बॉटल थी उसमें से पानी सारा निकाल के इसमें हमें एयर फिल करके एक एयर का स्प्रे जहाँ जहाँ पानी स्टॉक है वहाँ इसको यूज़ कर लेना है। फिर आपको लेना है एक माइक्रोफाइबर क्लोथ और जितना भी इसमें पानी है सारा वाइप आउट कर लेना है माइक्रोफाइबर क्लोथ की हेल्प से। तो ये हमारी क्लीनिंग की प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुकी है। अब आप चाहें तो डायरेक्टली अपनी कार को निकाल कर बाहर चला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कुछ देर इसको ऐसे ही पानी को सूखने दीजिए ताकि जहाँ जहाँ पर हमारा कपड़ा नहीं पहुँच पाया, जहाँ पर हम ये पानी को वाइप आउट नहीं कर पाए, वहाँ वहाँ पर वो पानी खुद ही थोड़ी देर बाद सूख जाए। अगर आप ऐसे भी चला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।